ऑल राइट गाइस, सो क्वेश्चन आया है कि देवर ने भाभी का फोन हैक किया हुआ है। अब भाभी का डाउट है कि मैं क्या एक्शन लूँ अपने देवर पे। ओके तो यार देखो, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर आपको प्रोसीजर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए बेटर से। सबसे पहले, किसी का फोन हैक करना विदाउट हिज हर परमिशन इज ए क्राइम, यानी कि ऑफेंस है वो। भाई किसी का तुम फोन हैक कर रहे हो बिना उसकी मर्जी के, उसकी प्राइवेसी वायोलेशन कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर क्राइम है। सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये सेक्शन 66 है, 66A नहीं है। 66A को तो वो कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, श्रिया सिंगल वर्सेस जूनियर ऑफ इंडिया वाले केस में। तो अब देखो, जो तुम्हारा देवर है वो फ़ोन एक्सेस कर रहा है तुम्हारा, यानी कि हैक कर रहा है। एक होता है ना व्हाट्सएप वैब करके ऐप होती है, उससे हैक हो जाता है फ़ोन, तो सारा व्हाट्सएप उसमें दिखता है, तो वो हैक किया हुआ है। तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो साइबर सेल में, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। या तो हेल्पलाइन नंबर आ रहा है इधर उधर देख लेना, उस पर कॉल करना, उनको पूछना भाई ऐसे ऐसे मेरे दिक्कत हो रखी है। और इसमें ना अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। हालांकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि तुम बाद में समझौता कर सकते हो कि यार चलो छोड़ो, घर की बात है ऐसे ऐसे। और नेक्स्ट थिंग आती है कि आपको क्या करना है। अब जैसे ना बहुत बार क्या होता है ना, मतलब तुम्हें अगर कंप्लेन करनी है ना तो साइबर सेल में जाओ कर दो, लेकिन बहुत बार तुम्हें पता नहीं होता कहाँ है साइबर सेल, क्या है। तो देखो सबसे पहले गलती क्या नहीं करनी, आप खुद ऑनलाइन कंप्लेन मत करना, क्योंकि ना ऑनलाइन क्या है, फिशिंग होती है बहुत सारी। यानी कि भारत सरकार जैसी लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, फिर उसमें आप डिटेल डाल देते हो, फिर उनके पास चली जाती है, तो वो कभी मत करना। अगर तुम्हें जेनुअन काम करना है ना, तो साइबर कैफे वाले होंगे, उनको बोलना कि भाई मेरे को साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है, तो वो डाल देंगे, जो भी आपका मैटर है उसमें डाल के डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ना साइबर फ्रॉड ही इतना है कि फिशिंग भी चलती है, दुनिया वेबसाइट बना देती है, मतलब बिल्कुल ऐसे लगेगी तुम्हें हाँ भारत सरकार वाली है, सब कुछ उसमें दिखा देंगे, फिर आप अपनी डिटेल दे देते हो, फिर आपको और दिक्कत होती है। तो वो काम नहीं करना, किसी साइबर सेल वाले, साइबर कैफे वाले की हेल्प ले लेना, उसके तहत आप कंप्लेन कर देना। और मैंने आपको बता दिया ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आप बाद में समझौता कर सकते हो, यानी कि आपस में टेबल पे बैठ के चल कोई नहीं हो गया, अब नहीं करूँगा ये नहीं करूँगा। क्योंकि यार देखो जो देवर है ना उसको कोई राइट नहीं है तुम्हारा फ़ोन हैक करने का, ठीक है। करना है तो पति को करना, अगर तुम्हारा अफेयर है वो भी तब, ऐसे नहीं है नॉर्मली, समझ गए। तो देवर को कोई हक नहीं है तुम्हारा फ़ोन हैक करने का, तो उसको तुम सजा करा सकते हो, ये जो मैंने बताया प्रोविज़न वो उसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर। देवर तू तो गया बेटे, बाय। महेश दल्ले बेड़ा गले बेनी बाप तेरा।